चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। मिस्टर दीपक, तुमसे कोई मिलना है। मुझसे? हाँ बैठे। हाँ दीपक, मैं जेके के साथ आई हूँ तुम्हारी जमानत देने। वो ऑफिस में है, थोड़ी देर में तुम आजाद हो जाओ। लेकिन तुम्हें खुद यहाँ आना नहीं चाहिए था। मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन आए बिना रह ना सके। अगर मिस्टर बजाज को पता चल गया तो? नहीं चलेगा, मैं जेके के साथ आई हूँ और जमानत भी वही दे रहा है, और वो मिस्टर बजाज को नहीं बताएगा। अच्छा राधा, तुम जाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखना। मैंने जेके से कहा है तुम्हारे लिए किसी अच्छे से वकील का इंतजाम कर देगा। राधा, मैंने तो सोचा था तुमने मुझसे दूर रहने का फैसला कर लिया है। हाँ, लेकिन तुम्हें मुसीबत में देखकर तुमसे दूर नहीं रहा गया। अब मुसीबतों से दूर रहना। मुसीबत जब आती है कुछ कर देगा। मैं जय के साथ यहाँ आई हूँ, वो दीपक की जमानत देने आया है। शगुफ्ता, तुम दीपक से मिलो, चलते हैं। जमानत देने आए थे, वो तो हो गई। मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी, आप राधा के साथ आ जाओ। खुदा हाफिज़। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम दीपक से मिलने पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? मैं जेके के साथ वहां गई थी। जेके वहां किसके कहने पर गया था? मेरे कहने पर, बल्कि मेरे मजबूर करने पे दीपक की जमानत देने। जेके को मजबूर करने की क्या जरूरत थी, जबकि मैं भी उसकी जमानत दे सकता था। मैंने तुमसे पूछा भी था कि उसकी जमानत देनी चाहिए या नहीं, फिर तुमने मुझे मना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने जज्बात को अपने तक ही रखना चाहती थी। मैं अपने जज्बात नहीं, आपके जज्बात की कदर कर रही थी। जिस इंसान को आप कैरेक्टर से गिरा हुआ और कातिल समझते हैं, मैं उसके लिए आपको कैसे कह देती कि आप उसकी जमानत दे दें? तो तुम्हारी राय में दीपक एक नेक इंसान है? मैंने आपको कहा था ना कि दोस्त दोस्तों पे शक नहीं किया करते। तो तुमने दीपक को जमानत पर इसलिए छुड़ाया क्योंकि तुम्हारा और दीपक का रिश्ता दोस्ती का है? सच बात तो ये है मिस्टर बजाज, क्या वो रिश्ता दोस्ती का भी नहीं रहा। तो क्या है? रिश्ते की याद। तो मेरा शक गलत नहीं था? मुझे नहीं मालूम आपका शक क्या था। कि उस रात, मेरा मतलब है कत्ल की रात, दीपक तुम्हारे साथ था? हाँ। तुम ये भूल गई थी कि तुम एक शादीशुदा औरत हो? नहीं, बल्कि मुझे याद था, और मैं इसीलिए बाहर गई थी ताकि उसे कह दूं कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, और मेरा घर अच्छी तरह से बसा हुआ है, और मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसका मतलब है कि तुम? अगर आप सब कुछ सच सच जानना चाहते हैं तो मैं बताने को तैयार हूँ मिस्टर बजाज। मुझे कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं जानना है, बेवफा। मिस्टर बजाज, डोंट टच मी, डोंट टच, चले जाओ यहां से। विस्की, आई थिंक हम लोग खाम खाम अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि आप नगमा के कातिल का पता लगाना चाहते। सवाल ये पैदा होता है कि हमने अब तक किया क्या है, हम अपनी खोज में मंजिल के कितने करीब पहुंचे। हम वही हैं विस्की जहां से हमने शुरू किया था, हमने एक कदम भी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ाया।
लेकिन इसके लिए इतना फ्रस्ट्रेट होने की क्या जरूरत है भाई? कामयाबी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी ना। कैसे मिल जाएगी विस्की? ना तो तुम डिटेक्टिव हो, एक स्टूडेंट हो, और मैं अपने आप में मस्त रहने वाला इंसान। कातिल की तलाश करना पुलिस का काम है, उनको करने दो। कातिल तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश फिर कर सकता है और दोबारा वो कामयाब हो सकता है। मुझे मारने में अगर वो कामयाब हो गया तो एटलीस्ट मेरी तलाश तो खत्म हो जाएगी। जब तुम मुझे मिली तो मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें इस तलाश में अपना साथी बना लिया। तब ये सोचा भी नहीं था कि इस राह में तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए मेरी बात मानो विस्की, कॉलेज वापस लौट जाओ। जेके साहब, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो भी मैं कातिल की तलाश जारी रखूंगी। विस्की, तुम्हारे माँ बाप कौन थे? माँ को देखा है, बाप के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। तो कस्तूरी की मौत के बाद तुम्हारी देखभाल करने वाला कौन है? मैं खुद। और अब मेरे जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने बहन के कातिल से बदला लेना। विस्की, कातिल की तलाश में मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बदला लेने में नहीं। क्यों? क्योंकि बदला लेने का मतलब है कानून अपने हाथ में लेना। तो ठीक है, अगर कानून के रखवालों ने उससे मुझसे पहले पकड़ लिया तो उसे सजा भी वही देंगे, लेकिन अगर वो कहीं मेरे हाथ लग गया ना तो उसे सजा भी मैं ही दूंगी। हेलो जय किशन, तुम एक शायर हो, अपनी शायरी तक ही रहो और उस लौंडिया से कहो वापस कॉलेज चली जाए, वरना कुछ ही दिनों में उसकी मौत मेरे हाथ। ये पूछना तो बेवकूफी होगी कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम बताओगे, लेकिन तुम जो भी हो नामर्द हो। जैसी नामर्दों जैसी हंसी है वैसी हरकतें भी है, बुजदिलों की तरह पीछे से वार करते हो। जिस दिन तुम पर वार होगा जयकिशन, सामने से होगा, उस दिन तुम कातिल का चेहरा भी देख लोगे। और वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और उसके बाद तुम किसी मासूम लड़की की जान नहीं लोगे। जिन्हें तू मासूम कहता है वो हजारों घर उजाड़ती है, तेरा घर भी उजड़ जाएगा और उसके साथ तू भी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, वहां नहीं जाना चाहिए था। तुमने जेके से बात की, उसने जमानत दे दी, फिर तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? पर मैं अपने आप पे काबू नहीं रख सकी। अपने मन पे क्यों नहीं काबू रख सकी? अपने पैर क्यों नहीं बांध लिए? राधा, तुम कब सीखोगी अपने मन पे काबू रखना? माँ, मैंने वहां जाके गुनाह तो नहीं कर दिया, गलती जरूर की है। सोचा था उसे मिलाऊंगी फिर वापस चले आऊंगी, थोड़ी देर देख लूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मिस्टर बजाज उसी घड़ी वहां आ जाएंगे। जिसे तुम गलती कहती हो ना, उसका नतीजा जानती हो क्या होगा? वो तुम पे कभी भरोसा नहीं रखेंगे, जिंदगी भर तुम्हें शक की नजर से देखेंगे। बेटी, गंगा नहाओगी लेकिन फिर कभी पवित्र नहीं हो पाओगी। अब तुम्हें बताओ बा, मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं मैं? उन्हें नहीं राधा, पहले अपने मन को मनाओ। मन से वो निकले तब ना? मन से वो खुद नहीं निकलेगा, तुम्हें उसे निकालना पड़ेगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम जैसी बदनसीब औरत कोई नहीं होगी। और ऐसी बातें करने से तो अच्छा है बाप कि तुम मुझे जहर ना दो। एक दिन तुम्हें जहर ही खाना पड़ेगा राधा। लीजिए मैडम, दवाइयों का वक्त हो गया। दवाइयों का वक्त कब नहीं होता? जब इंसान तंदुरुस्त हो जाता है, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी ना, तब दवाइयों का वक्त खत्म। ये लो, पहले ये सफेद वाली, उसके बाद ये पीली वाली, उसके बाद ये दवाइयाँ इतनी मोटी क्यों होती है, गले से नीचे नहीं उतरती। तो पीस के ले आऊं पाउडर बना के? नहीं। गुड गर्ल, कम ऑन। आज अब फिर शक्कर नहीं लाए ना? जानबूझ के नहीं लाया, सोचा इसी बहाने तुम आज ये कह दोगी, जतिन तुम्हारी बातें इतनी मीठी है कि शक्कर की जरूरत ही नहीं। बातें तो आपकी मीठी हैं, मगर दवाइयाँ बहुत कड़वी हैं। सच की तरह कड़वी, मेरी बातें मीठी लेकिन झूठी। नहीं बाबा, आपकी बातें मन को मीठी लगती हैं और शक्कर मुंह को।
ओके शक्कर लेके आता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक शक्कर। अब तो शादी भी हो गई है, इट्स लीगल। कोई ओके लेके आता हूँ। साहब ये दवाइयाँ मेम साहब की है। बता हाँ तुम्हें कहाँ से मिली? ये मेम साहब की है, बहुत महंगी दवाइयाँ, कहाँ ले जा रहे हो भैया? कोई तुम्हारे घर में कोई बीमारी वार तो नहीं? नहीं साहब, झाड़ू मारते मारते मिली मुझे कुछ इधर से कुछ उधर से। हाँ साहब मेम साहब खाती नहीं होगी, फेंक देती होगी। फेंक देती होगी? हाँ यू आर राइट। ठीक है जाओ तुम। नहीं 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 इसी यही रहने दो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ये लो खा लो, पहले ये पीली वाली फिर लाल। फिर से क्यों? फिर से नहीं मैडम, पहली बार। इसके पहले आप ये फेंक चुकी है। What rubbish? मैंने तो नहीं फेंकी। नहीं फेंकी? फिर वो क्या चमक रही है हरी हरी घास में, लाल पीली काली? और ये रही वो पुड़िया जो इसके पहले आप फेंकती आई है, ये ली। तो खाली मुझे नहीं खानी। क्यों? मुझे नहीं जिंदा रहना। अगर ऐसे ही था तो अग्निदेव के सामने सात फेरे लेके कसमें खाने की क्या जरूरत थी? उसमें ऐसी तो कोई कसम नहीं थी कि दिन में तीन बार दवाइयां खानी पड़े। क्यों नहीं थी? जब हमने ये कहा था कि एक दूसरे का दुख अपना दुख और सुख अपना सुख समझ के जिएंगे, और मेरा सुख यही है कि तुम्हारा दुख दूर हो और तुम सुख के साथ जियो, और उसके लिए दवाइयां खाना जरूरी है। जतन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब ये दवाइयां खाकर मैं ठीक तो हो नहीं सकती, हाँ अपनी मौत को चंद महीनों के लिए आगे बढ़ा सकूं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनी हुई हूं। तो इसीलिए तुमने दवाइयां खाना छोड़ दिया ताकि मेरा बोझ हल्का हो? नहीं नीलम, इससे मेरा नहीं तुम्हारा बोझ हल्का होगा, सूख जाओगी तुम। इसलिए प्लीज ये दवाइयों की हड़ताल बंद करो और ये खत्म। प्लीज प्लीज अरे देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आया हूँ। अरे आवाज का मुझे मैं ये सब सामान मेरे लिए या शॉप खोलना है? नहीं डार्लिंग, तुम रात को जब खराटे खरीद के सोती थी तब मैं किताब पढ़ रहा था। एबीसीडी का किताब? नहीं प्रेगनेंसी का किताब। तुम भी प्रेग्नेंट हो गया क्या एंथनी मैन? अरे नहीं डार्लिंग, प्रेग्नेंट तुम हो और प्रेगनेंसी का किताब तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू आर अ वेरी केयरलेस मदर। उसमें लिखा था कि होने वाली माँ को अच्छा अच्छा कपड़ा देना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना देना चाहिए और अच्छा अच्छा प्यार देना चाहिए। एंथनी क्या हो गया डाली? क्या हो गया? प्लीज ऐसा मत करो, हम सफोकेट हो जाता है। बीबी भी घबरा गया। I'm sorry, बीबी घबरा गया तो अभी हम तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम्हारे से दूर जाएगा। नहीं 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 नहीं, इधर आओ, मेरा पैर दबा दो। ये बेबी का वेट उठा उठा कर तो हम थक गया। हाँ हाँ डार्लिंग, दिन रात तुम्हारा सेवा करेगा बस। डार्लिंग हम जब ये शहर में घूमता है ना और प्रेग्नेंट वुमन को देखता है ना तो उसका पेट बोल मटोल तरबूज के माफिक रहता है। तुम्हारा ऐसा सूखा क्यों है? क्या मालूम एंथनी, लगता है हमारा बेबी एकदम पतला कीड़े के माफक है। कीड़े के माफिक? नहीं डार्लिंग, मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, हेल्दी तंदुरुस्त ऐसा बच्चा चाहिए। हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा। तो पहले तो मेरा पैर दाब, मेरे को बहुत दुखता है। कम ऑन एंड यस यस आई डू इट।
दीपक, मैं जानता हूं कि तुम राधा से बेपनाह मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम्हारे के साहब आप ना जाने इस बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं। मैं राधा की इज्जत को अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज समझता हूं, इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। राधा मुझे बता चुकी है कि कत्ल की रात तुम उसके साथ थे। क्या? पूरा सच जानने के बाद ही मैं तुम्हारी जमानत देने के लिए राजी हुआ। देखिए साहब, राधा उस रात को मुझसे ये कह रही थी कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो तुम्हें मंजूर नहीं था। अब है, इसलिए कि उसने तुम्हारी जमानत दिलाई। नहीं, इस बात का फैसला पहले ही हो चुका था। ये तुम्हारा अपना फैसला है? मेरा और राधा का था। मैं जान गया था कि मेरी मोहब्बत राधा की जिंदगी तबाह कर सकती है, इसलिए मैं अपनी फॉरेस्ट लॉज चलाया बॉम्बे छोड़कर। लेकिन अफसोस, तुमने तो राधा से दूर रहने का फैसला कर लिया, मगर वो तुमसे दूर नहीं रह सकी। मिस्टर बजाज ने उसे तुम्हारे साथ देखा है। हाँ, शायद उसे वहां नहीं आना चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ कि जाके मिस्टर बजाज से मिलूं, उन्हें कह दूं कि मेरा और राधा कोई रिश्ता नहीं। तुम इसका अंजाम जानते हो क्या होगा? तुम्हें राधा की मदद कैसे कर सकता? तुम शगुफ्ता से शादी कर लो। दीपक, जब तक तुम अकेले रहोगे, राधा के दिल में तुम्हारा साथी बनने की तमन्ना मचलती रहेगी। जब तक तुम उसकी उम्मीदों का दरवाजा बंद नहीं करते, उसके पांव अपनी दहलीज के बाहर जाने के लिए बेचैन रहेंगे। शादी करने से तो बेहतर है मैं अपनी जान दे दूं। ना मैं रहूंगा, ना राधा के दिल में मुझसे मिलने की तमन्ना। मियां, मरने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, क्योंकि नगमा का कातिल कौन है इसमें तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ये तो राधा आपको पहले ही बता चुकी है कि मैं उसके साथ था। लेकिन क्या तुमने उस रात नगमा के अलावा किसी को देखा था? नहीं, मैं फौरन वहां से चला गया था। हाँ, जब मैं दीवारों की आड़ में छुपकर अपने रूम की तरफ जा रहा था, तो चांद की रोशनी में एक और साया देखा था मैंने। उसे देखकर मुझे भी छुपना पड़ा। उसे देखकर तुम्हें क्या लगा कि कौन हो सकता है? उसके काले कपड़े देखकर ख्याल आया कि कोई चोर है। फिर ये भी सोचा कि हो सकता है मेरी तरह कोई बदनसीब आशिक हो। लेकिन एक सेकंड के लिए मुझे ये भी ख्याल आया कि वो काले लिबास में कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। सपोज वो काले लिबास में चोर भी नहीं था, आशिक भी नहीं, कातिल था, तो क्या नगमा का खून एक औरत ने किया? नहीं, मैंने जो देखा महसूस किया वो आपको बता दिया। कौन हो सकती है वो औरत? अंदर भेजो। हेलो मिस्टर जेक। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल। तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी शर्मिंदगी की काल कोठरी में बंद। अरे तुम, मेरा नाम नहीं काम देखो बच्चे। चल दफा हो जाओ इधर से, दफा हो जाओ। आप दोनों शायद एक दूसरे को जानते हैं। मैं भी यही याद करने की कोशिश कर रहा हूं। आपका चेहरा भी मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। एनीवे, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। एक्सक्यूज अस। अब्दुल भाई ने पूछा है कि आप मुलजिम को जमानत पर रिहा कराना है। क्यों? ये तो तुम फोन पर भी पूछ सकते थे। अब्दुल भाई फोन पर बात नहीं किया करते आजकल। मैंने इसकी जमानत इसलिए दी है ताकि ये खूनी को पकड़ने में हमारी मदद कर सके, इसीलिए मैंने पुलिस को भी बुलाया। पुलिस? तो मैं चलता हूँ। घबराओ मत, मैं पुलिस को तुम्हारी हकीकत नहीं बताऊंगा। लेकिन कुछ पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। साहब, इंस्पेक्टर साहब आए। अंदर भेज दो। जेकी, उसे दरवाजा खोलने से रोको। अब तुम प्रार्थना करो कि जो इंस्पेक्टर आ रहा है वो तुम्हें जानता नहीं। आइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज डोंट माइंड, ये लोग सब अपने ही हैं। और कुछ दिखाई? बड़ी है नी, इंपोर्टेड जूता है, एक बार पहनेगा हवा में उड़ने लगेगा। नी बहुत अच्छा है, पर हाई हील्स नहीं, नहीं मेरी एड़ियों में दर्द होता है।
इन साहब के तो मैं जूते तक पहचानने लगा हूँ अब। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं आपके हवाले ये गोलियां करना चाहता था जो कि विस्की पर चलाई गई थी, लेकिन वो बच गई। ये विस्की कौन है? वो भी अभी आती होगी। इसके अलावा दीपक का कहना है कि कत्ल की रात इन्होंने एक आदमी को काले लिबास में देखा था जो कि गार्डन के रास्ते से होटल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, और इनका शक है कि वो औरत थी। आपको शक हुआ? मेरा मतलब है कि आपको ये शक हुआ कि उस औरत ने मर्दाना कपड़े पहने हुए थे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कपड़े तो पेंट और शर्ट थी जो आजकल लड़के और लड़कियां दोनों पहना करते हैं। चांदनी रात थी, फिर झाड़ियों के पीछे दुपक कर पता नहीं कहां निकल गई, तो मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। नहीं, आपको ये शक कैसे हुआ कि वो एक औरत थी? उसकी चाल से, बट आई एम नॉट श्योर। तो इसका मतलब है कि नगमा का कातिल एक औरत भी हो सकती है। हेलो एवरीबॉडी, दर्द बोल